क्या शुभकामनाएं देना चाहिए उन्हें? पवन सिंह को ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, ऐसे जन्मदिन उसकी जिंदगी में सैकड़ों आए, ये मेरी दुआएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले हर एक दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम अलैकुम। मैं तीशा खान, और आज पवन जी का बर्थडे है, उनको मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, और यही कहूँगी बार बार ये दिन आए, वो जिए हजारों साल, ये हमारी है दुआ। सर, फिल्मों की बात करें तो आने वाला कोई प्रोजेक्ट है जो बताना चाहेंगे? आपको शायद जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है बाबरी मस्जिद, और लगभग कंप्लीट हो गया है, एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है, पेज वर्क बचा है, शायद 11 तारीख को कर। सर, बाबरी मस्जिद जिस समय आ रहा है उस समय यूपी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो आपने इसको देख के आपने फिल्म बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? बाबरी मस्जिद जब रिलीज होगी, यूपी इलेक्शन हो चुका होगा, 19 फरवरी को इलेक्शन मेरे यहाँ है, इस पिक्चर का बाबरी मस्जिद का इलेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं, ये एक सब्जेक्ट है, स्टोरी है जिस पर हम लोगों ने काम किया है और बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया है। नहीं सर, जैसे रिलीजिंग का डेट है, कुछ बढ़ाएंगे इलेक्शन? नहीं, मैं बढ़ाऊंगा क्यों, मेरी जो डेट निश्चित है उसी पे रिलीज करूंगा, इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। लोग अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं और उसके लिए डेट नहीं बढ़ाई जाती है। एक सवाल जी, समाजवादी पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, साइकिल की दावेदारी अखिलेश जी भी कर रहे हैं, मुलायम जी भी कर रहे हैं, धीरेन्द्र चौबे जी किसका साथ देंगे? मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, हूँ, रहूंगा, लेकिन माननीय नेता जी हमारे सर्वसम्मत से नेता हैं, आज भी हैं, और जो दो फांट कह रहे हैं, विचारों का कुछ विवाद है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अखिलेश जी ने तो साइकिल छोड़ दी है पूरी तरह से, कभी नहीं छोड़ा है, ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, तो बाप बेटा के मनमुटाव है, हर घर में होता है, तो मीडिया में आ चुका है ना पूरा, मीडिया का काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में आग जलाते रहते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, और कुछ लोग बाहर आके कह देते हैं ऐसा हो गया, आज पापा से लड़ाई हो गई, कोई बुरी बात नहीं, हर परिवार में होता है। समाजवादी वापस यूपी सरकार में आ रही है 100%, ये तो सर्वे दे दिया ना, एबीपी न्यूज ने परसों ही दिया है कि सबसे बड़े दल के रूप में यूपी में समाजवादी पार्टी होगी। चौबे जी, सवाल ये है कि इस विवाद के बाद क्या धीरेन्द्र चौबे जी नेताजी से या अखिलेश जी से मिले या कोई सुलह की कोशिश आपके लेवल से की गई, क्योंकि उस परिवार का मैं नजदीकी हूं? नहीं, मैं नजदीकी हूं, मैं उस परिवार का हूं, लेकिन इस स्तर पर बाप बेटे की लड़ाई में मेरा कोई रोल नहीं है। धन्यवाद जी। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी बाबरी मस्जिद का हिस्सेदार हूँ, और इस फिल्म का जब ये टाइटल आया था मेरे पास कि त्रिशा जी आपको बाबरी मस्जिद करनी है, और मैंने धीरेन्द्र जी से कुछ नहीं पूछा कि मेरा रोल क्या है, मैंने बाबरी मस्जिद टाइटल सुन के ही इस पिक्चर में हाँ बोल दिया था। सर, 31 दिसंबर को महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई बेंगलुरु में, आपका क्या कहना है इस पर? ये बहुत गलत है, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, इन सब बातों के मैं बहुत खिलाफ था, हूँ, रहूँगा, ऐसा क्यों करते हैं लोग, मैं आज तक यही नहीं समझ पाया। वो भी बहन है किसी की, वो भी किसी की बेटी है, उसके बात करते हैं, उनके नहीं बहन बेटियां, तो बहुत खराब स्टेट फॉरवर्ड बोलता हूँ सामने। महिलाओं को और ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, और ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और मैं तो यही कहूँगी महिला एक देवी होती है, दुर्गा होती है, काली होती है, तो उस देवी का मतलब इज्जत करनी चाहिए, आई थिंक सो।